नमस्कार, आज हम कौचल्य ओम का 19वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें हम गर्म प्रदेशों के बारे में देखेंगे, जिसमें मुख्यतः मेडिटेरेनियन जलवायु के बारे में आज हम समझेंगे। तो जैसा कि हमने इस चार्ट में देखा था, हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, सूडान और मानसून वाले क्षेत्र कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो है मेडिटेरेनियन क्षेत्र। मेडिटेरेनियन क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ वर्षा सर्दी ऋतु में होती है या सर्दी काल में होती है, और जो गर्मियों का मौसम होता है वो मुख्यतः शुष्क रहता है। तो ये इसकी सबसे प्रमुख चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। 30 से 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण में इसके बीच में इसका फैलाव रहेगा। इन क्षेत्रों में जो आपके हवा के बेल्ट हैं, जो विंड बेल्ट हैं, वो ऊपर नीचे सरकते रहते हैं, जैसा कि हमने विंड्स वाले सेक्शन में देखा है, वायु वाले सेक्शन में देखा है। अब अगर हम वर्ल्ड मैप पे आ जाएं या विश्व के मैप पे आ जाएं यहाँ पर, तो हम देखेंगे जो कैलिफोर्निया का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर रेडवुड्स पाए जाते हैं, और ये मुख्यतः प्रसिद्ध है मेडिटेरेनियन जलवायु के लिए। बीच में जो कि आप देख सकते हैं अफ्रीका के ऊपर और यूरोप के नीचे, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी का क्षेत्र है, और इसके आसपास का संपूर्ण इलाका मेडिटेरेनियन जलवायु वाला होगा। दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में केप टाउन के आसपास आपका मेडिटेरेनियन जलवायु देखने को मिलेगी। चाइल के कुछ क्षेत्रों में मेडिटेरेनियन जलवायु मिलेगी, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दो प्रमुख ऑस्ट्रेलिया में क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन जलवायु देखने को मिलेगी। अब जैसा कि हमने कहा, यहाँ पर गर्मियों के मौसम में शुष्कता रहती है। इस समय पर यहाँ पर अकाल ग्रसित क्षेत्र भी रहते हैं, और मुख्यतः ये है कि यहाँ से हवाएं समुद्र से नहीं चलती हैं ना, ज़मीन से हवाएं चलती हैं, तो वो मुख्यतः सूखी होती हैं और उनमें वर्षा उन हवाओं से वर्षा नहीं हो सकती है। जो मुख्यतः आंतरिक हिस्से हैं, जो पानी से दूर वाले हिस्से हैं, वहाँ पर शुष्कता अधिक पाई गई है। और जैसा कि हमने देखा, वर्षा यहाँ पर सर्दियों में होती है, और वर्षा मुख्यतः वेस्टर्ली से होती है जो कि यहाँ पर आती है, और ये वेस्टर्ली हवाएं समुद्र से आती हैं और वर्षा करती हैं, और जैसे जैसे वेस्टर्ली आती है, ये वेस्टर्ली बेल्ट इक्वेटर से शिफ्ट होता जाता है या भूमध्य रेखा से शिफ्ट होता जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है। मुख्यतः यहाँ पर साइक्लोनिक रेनफॉल देखी गई है उत्तरी गोलार्ध में। साइक्लोनिक रेनफॉल के अलावा आपके जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन कंडीशंस हैं वो, और जो थोड़ी बहुत आपके कॉन्टिनेंट के अंदर का मौसम है, जो शुष्कता वाला मौसम है, वो सभी तरह के मौसम यहाँ की जलवायु को अफेक्ट करते हैं या जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम ये समझना चाहें कि यहाँ पर मुख्यतः जो जलवायु पाई गई है वो वहाँ की जो लोकल विंड्स हैं उनसे भी गवर्न होगी, तो अगर हम मेडिटेरेनियन सी का क्षेत्र देखें तो ये आपका स्पेन और पोर्चुगल का हिस्सा है, यहाँ पर आपका इटली है, ये पूरा अफ्रीका का क्षेत्र है। जैसा कि हमने डेजर्ट या रेगिस्तान वाली क्लास में देखा था कौचिल्य ओम का, जो अफ्रीका से हवाएं जाती हैं वो मुख्यतः गर्म और शुष्क होंगी, जबकि जो उत्तरी गोलार्ध से हवाएं आ रही हैं, जो यूरोप से हवाएं आ रही हैं, वो मुख्यतः ठंडी होंगी। तो जो उत्तर से हवाएं आती हैं उसमें मुख्यतः है आपकी मिस्ट्रल, बोरा, टारमेंटा एंड गेरिगल, ये चार हवाएं मुख्यतः हैं जो उत्तर से आती हैं और जो ठंडी होंगी। मिस्ट्रल रोन वैली के आसपास पाई जाती है। जब मिस्ट्रल हवाएं चलती हैं तो ये पेड़ों को भी उखाड़ सकती हैं, इतनी तेज़ हवाएं होती है, तो इसके लिए आसपास घरों के आसपास एक फेंसिंग टाइप बनाया जाता है, जो कि इस क्षेत्र में कॉमनली देखा जाता है, रोन वैली के क्षेत्र में। अफ्रीका से चलने वाली हवाओं को सिरक्कू कहा जाता है। अब सिरक्कू हवाएं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। लीबिया के पास वाले क्षेत्र में इसको घिबली कहते हैं, इजिप्ट के पास वाले क्षेत्र में इसको खमसिन कहते हैं, इजिप्ट और माल्टा के क्षेत्रों में। जो स्पेन की तरफ चलती है उसको लिवांते कहते हैं, और जो तुनीशिया से चलती है उसको चिली कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख नाम है जो इसमें चलते हैं, और एक है घारिब, जो आपकी एड्रियाटिक सी और एजियन सी की ओर काटती भी जाती है, क्योंकि ये सब हवाएं अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से चल रही हैं, इसमें खूब मात्रा में रेत है,
कुछ हिस्सों में ये लाल रंग की रेत लेके जाता है और इसको खूनी वर्षा या ब्लडी रेनफॉल भी कहते हैं। जैसा कि हमने बोला कि यहाँ पर जो दक्षिण से हवाएं जाएंगी वो मुख्यतः गर्म होंगी, जो उत्तर से हवाएं आएंगी वो मुख्यतः ठंडी होंगी। अब जो ये क्षेत्र है इसमें कहीं जगह पे पर्वतीय क्षेत्र देखा गया है। पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ पे वर्षा ज़्यादा होगी जिसको हम विंडवर्ड साइड बोलेंगे और दूसरी तरफ पे वर्षा कम होगी जिसको हम लीवर्ड साइड बोलेंगे। तो ऐसे ही पोर्चुगल और स्पेन के बीच में जो माउंटेन क्षेत्र है इबेरा और मिस्टा का, उसमें आप देखें तो पोर्चुगल वाले हिस्से में वर्षा ज़्यादा होती है और पूर्वी स्पेन के हिस्से में वर्षा ऋतु कम रहती है। तो ये आपकी प्रमुख हवाएं हो गई जो हमने देखा। उसके बाद मिस्ट्रल और बोरा के बारे में हमने समझ ही लिया है, ये दोनों उत्तर से आती हैं तो ये ज़्यादा ठंडी होंगी। हाँ, मिस्ट्रल की एक और ख़ास बात है कि मिस्ट्रल हवा जो है वो फनलिंग इफेक्ट करती है, मतलब आल्प्स और सेंट्रल मैसिव के बीच में वहाँ पर एक फनल जैसा इफेक्ट पैदा होता है जिससे भंवर की तरह एक इफेक्ट पैदा होता है जिससे वहाँ पर इसकी प्रभाव क्षमता बढ़ जाती है। अब अगर हम देखते हैं वनस्पति इस क्षेत्र की, तो सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि यहाँ पर पेड़ों पे छोटी छोटी चौड़ी पत्तियाँ देखी गई हैं। छाया मिलना बहुत ही मुश्किल है सर्दियों में और गीले मौसम में पेड़ बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं। शुष्कता अधिक रहती है इस मौसम में और यहाँ पर मुख्यतः दो तरीके के मौसम देखे गए हैं। एक तो सदाबहार वन देखे गए हैं जो मेडिटेरेनियन सदाबहार होते हैं जिनको वुडलैंड भी कहते हैं। इसमें सबसे प्रमुख एवरग्रीन ओक है। इस ओक से कॉर्क ओक बनता है जो कि वाइन या शराब की बोतल में ऊपर की तरफ लगाया जाता है। ये एक्सपोर्ट होता है मुख्यतः स्पेन और पोर्चुगल से। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस की फसल देखी, यूकेलिप्टस की वनस्पति मुख्यतः देखी गई है। झरा और खारी वहाँ के लोकल पेड़ हैं जो देखे गए हैं, जो सिर्फ उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया में आपके रेडवुड्स जैसा कि हमने पहले कहा था और जायंट स्कूजिया देखे गए हैं। कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर कॉनिफोरस या नुकीले पेड़ देखे गए हैं जैसे पाइन, फर, देवदार और साइप्रस। ज़्यादातर झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्ष पाए गए हैं। जो छोटी छोटी झाड़ होती है उसमें रोजमेरी, लेवेंडर और लॉरल सबसे आसानी से देखी गई हैं। अब जो क्षेत्र हैं जिसमें ये झाड़ पाए गए हैं, इन झाड़ों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे फ्रांस में इसको मैक्यूस बोलते हैं, इटली में माचिया बोलते हैं, कैलिफोर्निया में चैपरल बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में माले स्क्रब बोलते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में किन नामों से जाना जाता है ये महत्वपूर्ण है और इन्हें आपको याद रखना होगा। फिर वापस अगर हम देखें तो यहाँ पर शुष्कता ज़्यादा रहती है। अब जिन जिन ज़मीनों में लाइमस्टोन अधिक मात्रा में पाया गया है वहाँ पर शुष्कता की मात्रा अधिक है और वहाँ पर सूखे क्रीपर्स पाए गए हैं जो ज़मीन के सहारे चलते हैं और उनको हम गैंग्रीएज कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर सिट्रस या खट्टे फल भी ज़्यादा पाए गए हैं जैसे नींबू, संतरा, सिट्रॉन, ग्रेपफ्रूट। इन सब की जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं ताकि वो बहुत गहराई तक जा सके और पानी खींच सके। जैसे ये होती हैं सिट्रस फ्रूट्स की जड़ें होती हैं, ऐसे ही ऑलिव की होती है या जैतून की होती हैं। जैतून की जड़ें भी बहुत गहरी में जाती हैं, जैतून का पेड़ बहुत कड़क होता है ताकि वो विपरीत परिस्थितियों या विषम परिस्थितियों को झेल सके। इन सभी इलाकों में सिंचाई जो है वो मुख्यतः कैनाल से की गई है। जैसे ग्रेट वैली कैलिफोर्निया, वेल ऑफ चाइल्ड और नेवेग डेजर्ट इज़राइल, यहाँ पर मुख्यतः कैनाल से सिंचाई की गई है। इज़राइल के कुछ क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन भी किया गया है। अब जैसे कि हमने कहा था अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संतरे मशहूर हैं। कैलिफोर्निया में जो संतरे पाए जाते हैं उनको सनकेट संतरे कहा जाता है, वो मुख्यतः स्क्वैश बनाने के काम में आते हैं। स्पेन में सेविल संतरे पाए जाते हैं जो मार्मलेड बनाने के काम में आते हैं। इज़राइल में जाफा, टेंगरिन्स में टेंगरिन और चाइना और जापान में मैंडरिन संतरे उगते हैं। 70% जितना भी संतरों का एक्सपोर्ट है वो मेडिटेरेनियन जलवायु वाले क्षेत्रों से होता है। जैसा कि हमने कहा जैतून बहुत ही ख़राब किस्म की मिट्टी में भी उग सकता है, लाइमस्टोन की मिट्टी में भी उग सकता है। ये मुख्यतः मसाले, तेल और खाना बनाने में काम में आता है।
इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिलती हैं, जैसे अखरोट, बादाम, हेज़लनट और चेस्टनट पाया जाता है। फिर फलों में एप्रिकॉट, पीच, पियर, अंजीर, ये सब की खेती देखी गई है। फसलों में मुख्यतः गेहूं और बार्ले या जौ देखा गया है। गेहूं जो यहाँ पर पाया जाता है उसको हार्ड विंटर वीट कहते हैं, और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये ऑटम में या पतझड़ में बोया जाता है और मैक्रोनी, स्पेगेटी और वर्मिसील बनाने के काम में आता है। इसके अलावा जौ की फसल देखी गई है और कुछ क्षेत्रों में चावल की फसल भी देखी गई है, जहाँ पर ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिसेस होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट होता है उसको ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। फिर वाइन का प्रोडक्शन इस एरिया में सबसे ज़्यादा है, जो 85% अंगूर इस क्षेत्रों में उगता है वो मुख्यतः वाइन बनाने के काम में आता है। 3/4 इलाकों में, 3/4 हिस्सों में वाइन की खेती होती है या वाइन बनाई जाती है। इस प्रोसेस को विटिकल्चर कहा जाता है। स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस और इटली में वाइन को नेशनल ड्रिंक माना गया है और अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे फ्रांस में इसको शेरी कहते हैं, पोर्चुगल में पोर्ट वाइन मिलती है, अस्ती और मरसाला इटली से आती है। फ्रांस की 3 प्रमुख हैं, एक है शैम्पेन जो पेरिस से आती है, बोर्डेक्स जो गेरोन क्षेत्र से आती है और बर्गेंडी जो रोन से उन क्षेत्र से आती है। कई बार अंगूर को सुखाया जाता है और उसकी द्राक्ष बनाई जाती है, तो उसका भी अलग अलग नाम है। जो कैलिफोर्निया से आती है उसको रेजिन कहते हैं, जो एशिया के इलाकों से आती है उसको सुल्ताना कहते हैं, और जो लेवेंटाइन क्षेत्रों से आती है उसको करंट कहते हैं। जिस तरीके से हमने ये देखा है उसमें एक और प्रमुख चीज़ है कि यहाँ पर जो सिंचाई के बाद खेती हो रही है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होती है। तो जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखा गया है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब छोटी छोटी ज़मीनें हैं जहाँ पर श्रम की अधिकता है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर टेरेस फार्मिंग देखी गई है या स्टेप फार्मिंग देखी गई है, और इन सभी क्षेत्रों में वहाँ की जलवायु के हिसाब से ज़मीनों के टुकड़े काटे गए हैं। जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको हेकेडिनास कहते हैं, जो कि स्पेन में होते हैं। इसके अलावा एब्रो वैली स्पेन में और पो वैली इटली में, वहाँ पर आपका पेड लेबरर या श्रमिक जिनको पैसा दिया जाता है वो भी काम करते हैं इन इंटेंसिव फार्म्स में। जो वहाँ का किसान है उसके अलावा वो लोग और श्रम मंगाते हैं बाहर से। तो इस तरीके से हमने मेडिटेरेनियन जलवायु के बारे में समझा। हम आगे की अध्यायों में और देखेंगे कि अलग अलग जलवायु में किस तरीके से वनस्पतियाँ होती हैं, वहाँ पर किस तरीके से विकास होता है, और जो जलवायु है वो किस तरीके की है। धन्यवाद।